हिंदू नववर्ष को लेकर लोगों में काफी उत्साह का माहौल है। 2 अप्रैल को भारतीय नववर्ष के साथ चैत्र नवरात्र प्रारंभ हुआ है। भारतीय नववर्ष मनाने सरस्वती शिशु मंदिर पिथौरा के अध्यापकों व विद्यार्थियों द्वारा नगर में भगवा ध्वज के लिए भारतीय हिंदू नववर्ष जन जागरूकता रैली निकाली गई। हिंदू नववर्ष को लेकर लोगों में काफी उत्साह का माहौल है। 2 अप्रैल को भारतीय नववर्ष के साथ चैत्र नवरात्र का प्रारंभ हुआ है। भारतीय नववर्ष भारत वर्ष के कैलेंडर विक्रम संवत 2079 का प्रारंभ हुआ है। भारतीय नववर्ष मनाने सरस्वती शिशु मंदिर पिथौरा अध्यापकों व विद्यार्थियों द्वारा आज नगर में भारत माता की जय वंदे मातरम के नारों के साथ में भगवा ध्वज के लिए भारतीय हिंदू नववर्ष जन जागरूकता रैली निकाली गई। साथ ही लोगों से भारतीय हिंदू नववर्ष मनाने की अपील की गई। विद्यालय के प्राचार्य नंदू निर्मलकर ने बताया कि विद्या भारती द्वारा संचालित सरस्वती शिशु मंदिर द्वारा संपूर्ण समाज में भारतीय परंपरा संस्कृति बताने को व हिंदुत्व जगाने प्रयासरत है, जिसको लेकर आज नगर में रैली निकाली गई, जिसका नगर में जगह जगह पर भव्य स्वागत किया गया, जिसमें पिथौरा के थानेश्वर मंदिर समिति द्वारा भी भव्य स्वागत किया गया। संदेश यही है कि जो बच्चे आज रैली में अपना ध्वज लेकर घूमे हैं, इससे हमारे पिथौरा नगर में यह होना चाहिए कि जो हमारा हिंदू नववर्ष हम जिस तारीख को जिस वर्ष में मनाते हैं उसको उसी लय से उन्होंने भी मनाना चाहिए। और आज से मैंने 2 तारीख से नवरात्र चालू होगा, राम का नवरात्र। यह हमारे कुल देवता भी हैं और इनसे ही अपने सभी अच्छे मनोकामना की पूर्ण होती है। इसलिए मैं इतने कहूँगी कि हिंदू नववर्ष की सभी को लख लख बधाई है। सरस्वती शिशु मंदिर सरस्वती शिक्षा संस्थान योजना के अनुसार संचालित है और छत्तीसगढ़ नहीं वरन पूरे देश में हिंदुत्व के भाव को जागृत करने के लिए शिक्षा के साथ संस्कार समाहित हो, ऐसी योजना को पारित करते हुए हम सभी प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को हिंदू नववर्ष के रूप में मनाते हैं। इस दिन को इसलिए मनाते हैं, हमारे पूर्वज जो है पूर्वजों से लेकर वर्तमान समय में नए दिन का शुभारंभ नवदुर्गा रूपी माँ दुर्गा, भगवान श्री राम का राज्याभिषेक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो स्वयंसेवी संस्था के रूप में पूरे देश में अग्रणी है, इनके संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार जी का जन्मदिवस, ऐसे विविध मान्यताओं को लेकर अप्रैल माह का जो प्रथम दिवस है उसमें जो नवरात्रि का पर्व है वो आता है। इस भाव को लेकर सरस्वती शिशु मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पिथौरा के भैया बहनों द्वारा पूरे नगर में भगवा ध्वज हाथ में लेकर माँ दुर्गा नौ रूप धारण किए हुए बजरंग बली के साथ इस राज्य के इस देश के सुख समृद्धि को ठीक बनाए रखने के लिए, समाज में किसी प्रकार के कुरूप ना हो, एक रूपता बने रहें, समाज जो है दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति करें, इस दृष्टि से इस भाव से विद्या भारती की योजना को संचालित करते हुए संपूर्ण समाज में भारतीय परंपरा को लागू करते हुए हिंदुत्व भाव को जगाने के लिए आज हम लोग पिथौरा नगर में अपने भैया बहनों के साथ नगर के चहुमुखी चारों ओर अपने भैया बहनों के साथ में संचलन की दृष्टि से एक स्वागत की कड़ी में नवजागृति की कड़ी में पिथौरा के भैया बहनों द्वारा एक भ्रमण किया। संवत चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा संवत 2079 नल नाम संवत्सर है, जिसके सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। यह हिंदू वर्ष प्रतिपदा का चैत्र शुक्ल पक्ष का प्रतिपदा का है, जिसमें नौ नौ वृक्षों से नए नए पोपले निकलते हैं, गेहूं का नया फसल आता है, गेहूं और धान का। इस प्रकार से हमारा असली वर्ष प्रतिपदा ही चैत्र शुक्ल पक्ष का वर्ष प्रतिपदा ही नौ वर्ष मनाया जाना चाहिए। थानेश्वर मंदिर समिति द्वारा बच्चों के द्वारा रैली निकाली गई थी, किस तरह से स्वागत किया गया? इसमें थानेश्वर मंदिर सेवा समिति की ओर से बच्चों के ऊपर फूल वर्षा की गई और आरती उतारी गई, उनको ठंडा और जूस आदि दिया गया। महासमुंद से किशोर कर की रिपोर्ट, ACN 24।